हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मिग 21 की इंडियन एयरफोर्स में सर्विस को और जानेंगे उसकी स्टोरी को। तो मिग 21 पहला नॉन वेस्टर्न एयरक्राफ्ट था इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में, जिसके बाद से इंडियन एयरफोर्स इतनी इम्प्रेस हुई कि मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट बाद में खरीदे गए वो रशिया से ही आए। तो मिग 21 को ख़रीदने का जो अग्रीमेंट है उसको कंक्लूड किया गया था अगस्त 1962 में, जिसके हिसाब से 12 जो मिग 21 है वो डायरेक्टली खरीदे गए थे, साथ में सोवियत टेक्निकल असिस्टेंस के साथ जो मिग 21 का लाइसेंस प्रोडक्शन है उसे इंडिया में चालू करना था। तो 8 इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो फ्रुंजे पहुंचे, जो उस समय किर्गिस SSR का कैपिटल था, अभी बिश्केक है, अपनी कन्वर्जन ट्रेनिंग के लिए, जो कि 3 महीने चलने वाली थी और ये समय था 9 अक्टूबर 1962 का। और जो ट्रेनिंग कोर्स है वो पासी के लुगुविया एयरबेस में होने वाला था, जहां मिग 21 में ट्रांजिशन करना था मिग 15 और मिग 17 से होते हुए। तो जो इंडियन एयरफोर्स की टीम थी उसको स्पेशली सेलेक्ट किया गया था और उसके जो लीडर थे वो थे विंग कमांडर दिलबाग सिंह, जो आगे चल के हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। टीम के जो बाकी मेम्बर्स हैं वो स्क्वाडन लीडर्स को इंक्लूड करते थे, जैसे कि सुरेंद्र कुमार मेहरा, जिनका कॉल साइन पॉली था, वो भी आगे चलकर चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। फिर मेलकम एस दुंदास वॉलन, जिनका कॉल साइन मैली था, वो भी आगे चल के एयर मार्शल बने। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स की बात करें तो डेंजल जोसेफ किलोर, जो कि आगे एयर मार्शल बने, और ब्रिजेश जायल, जो कि आगे एयर मार्शल बने। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरचरण सिंह गिल, जिनका कॉल साइन हाई स्पीड था। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण कांति मुखर्जी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट AK सेन। तो ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड फाइटर पायलट्स थे, पर जो ट्रेनिंग फैसिलिटी थी लुगुविया में वो इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ख़राब थी, और जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे उनकी भी जो क्वालिटी है वो बिलो एवरेज थी। तो अक्टूबर से नवंबर के दौरान 1962 में जो इंडो चाइना वॉर है वो छिड़ चुकी थी, तो इसने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे उनके एटीट्यूड को। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स थे उनको 4.5 घंटे का फ्लाइंग टाइम दिया गया 5 महीने के पीरियड में, पर जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस थे इंजन्स पे, एयरफ्रेम पे और सिस्टम पे वो काफ़ी अच्छे थे। तो लास्ट में जो असेसमेंट हुआ उसमें हर इंडियन एयरफोर्स के पायलट को एक्सेप्शनल इन फ्लाइंग कहा गया। तो पहले 10 में से 6 मिग 21F-13 थे, उन्होंने छोड़ा था यूक्रेनियन सीपोर्ट ओडेसा को 15 जनवरी 1963 में और बॉम्बे पहुंचे थे 28 जनवरी को। उसके बाद पहला मिग 21 का स्क्वाड्रन फॉर्म हुआ, जो था 28th स्क्वाड्रन चंडीगढ़ पंजाब में, और जो स्क्वाड्रन का नाम है वो पड़ा फर्स्ट सुपरसोनिक्स। उसके बाद जो दूसरा बैच था 4 मिग 21F-13 का, वो इंडिया पहुँचा 1964 के मिड में, और जो पूरे 12 के कॉन्ट्रैक्ट के बचे हुए 2 मिग 21 PF थे वो भी सेकेंड बैच के साथ डिलीवर किए गए थे और लेट 1964 में भारत पहुँचे थे। तो ये जो सारे एयरक्राफ्ट हैं इन सब ने 28th स्क्वाड्रन को सर्व किया था। तो आगे ऐसा प्लान किया गया था कि 18 और मिग 21 लेने हैं 1965 में, पर जो सेकेंड कश्मीर वॉर है पाकिस्तान के साथ वो चालू हो गई थी सितंबर उसी साल, तो इंडियन एयरफोर्स को मजबूरन अपने ट्रायल स्क्वाड्रन के साथ उस वॉर में उतरना पड़ गया था, जिसमें खाली 8 सर्विसेबल एयरक्राफ्ट थे, क्योंकि इनमें से जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो हम लोगों ने लूज़ कर दिया था मिड एयर कोलिजन में, जो कि एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान हो गया था अम्बाला में 21 दिसंबर 1963 में, जिसमें पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर MSG वॉलन और AK मुखर्जी, जिन्होंने इजेक्ट किया था। तो बहुत कम मिग 21s थे और उन्होंने लिमिटेड रोल परफॉर्म किया था 3 हफ्ते की लड़ाई में, और वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल की ड्यूटीज़ में यूज़ किए गए थे फॉरवर्ड एयर बेसिस में, और उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने मिसाइल्स और गन को फायर करने के लिए। साथ ही साथ जो 2 मिग 21 PF लिए गए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे ग्राउंड में ही, जब पाकिस्तान के F-86 सेबर्स ने पठानकोट एयरबेस में बॉम्बिंग करी थी 6 सितंबर 1965 में। उसके बाद मेकोयन OKB ने बेटर वर्जन ऑफर किया मिग 21 PF का, जिसमें एक R-11F-300 इंजन लगाया गया और जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको 2900 लीटर कर दिया गया।
साथ ही साथ जो पैरा ब्रेक है उनको रिपोजिशन करके रडर के नीचे रखा गया और R2L रडार को लगाया गया। साथ में जो अंडर विंग पायलॉन्स हैं उनको कैपेबल बनाया गया फ्यूल टैंक्स को कैरी करने के लिए, और जो GP9 गन पैक है उसको भी अंडर फ्यूसेलाज कैरी करने लायक बनाया गया। तो इसकी जो डेजिग्नेशन है वो दी गई MiG-21FL की, जहां पर FL डिनोट करता है फोर साज लोकाटोर को, जिसका मतलब आफ्टर बर्नर और रडार है, और इस वर्जन को चूज़ किया गया लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए। तो 1966 के मध्य में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने अनाउंस किया कि जो MiG-21 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम इंडिया में होगा वो चार स्टेज में होगा, जिसमें जो पहली स्टेज होगी उसमें असेंबली करी जाएगी कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स से, जिसे CKD किट्स भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज में सब असेंबलीज होगी, थर्ड स्टेज में पार्ट असेंबली होगी, और फाइनली रॉ मटेरियल से पूरा पूरा जहाज बनाया जाएगा। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए पहले 54 MiG-21FLs को ख़रीदा गया USSR से, वहीं पर उनको टेस्ट रन किया गया, फिर डिसमेंटल किया गया, इंडिया को भेजा गया, और यहाँ पर फिर से रिसेंबल किया गया नासिक महाराष्ट्र में रशियन सुपरविजन के अंडर में। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेशल डिवीजन बनाई गई HAL में, जिसको आज MiG डिवीजन कहते हैं। तो जो लाइसेंस प्रोडक्शन है वो चालू हुआ HAL के नए एयरफ्रेम प्लांट में, जो कि औजार में आता है, जो कि नासिक के पास में है 1966 से 1973 तक। और फिर एक नई फैक्ट्री और बनाई गई कोरापुट उड़ीसा में, जहां पर इंजन्स बनाए जाने थे। उसके बाद एक और फैक्ट्री बनाई गई बालानगर हैदराबाद के पास में, जहां पर एवियोनिक्स और मिसाइल बनाए जाने थे। तो टोटल 205 MiG-21FLs को बनाया गया। तो जो पहला इंडियन असेंबल्ड MiG-21FL था उसको भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किया गया था 1967 की शुरुआत में, और जो पूरा का पूरा लोकल कंपोनेंट्स के साथ बना था उसे दिया गया था 19 अक्टूबर 1970s में, और जो पहला HAL बिल्ट R-11 F2S-300 टर्बोजेट था उसको डिलीवर किया गया था 2 जनवरी 1969 में, और जो टोटल इंडियन प्रोडक्शन MiG-21FLs थे उनका नंबर था 196। तो आगे चलकर इसे एक भारतीय नाम भी दिया गया जो त्रिशूल था। तो MiG-21FL को इंडियन एयरफोर्स त्रिशूल बुलाती थी। तो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में जो MiG-21s हैं वो Mach 2+ स्पीड के नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस समय के हिसाब से जो MiG-21FL है वो बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट था क्लोज कॉम्बैट के लिए, और इसके हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अच्छे थे। साथ ही साथ जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी काफ़ी खुश था उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस सिंप्लिसिटी से। तो इंडियन एयरफोर्स को बाद में ज़रूरत पड़ी जो एयरक्राफ्ट है उनको मॉडिफाई करने की, ताकि जो लिमिटेड रेंज और आर्मामेंट की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए रशियंस को कंसल्ट किया गया, और फिर इसमें और बातें आई जैसे कि इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने का आया, ब्रेक प्रेशर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का आया, साथ ही साथ बड़े ड्रॉप टैंक्स को लगाने का आया, कैनन बोर्ड्स को लगाने का आया, और साथ ही साथ एक गन साइट को लगाने का प्रपोजल आया। तो प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए एक GP9 गन पॉड, जिसमें एक 23mm की GSS-23 ट्विन बैरल कैनन थी, और साथ में एक कंप्यूटिंग गन साइट इलेक्ट्रिकल रेंजिंग सिस्टम के साथ, वो एज अ किट ली गई सोवियत यूनियन से। तो जो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21s थे उनको इंडियन एयरफोर्स के ही बेस रिपेयर डिपो में मॉडिफाई किया गया। तो कैनन पॉड के लग जाने के बाद जो पायलट का कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मिसाइल्स के ख़त्म होने के बाद भी वो अनआर्म्ड नहीं रहते। साथ में जो ड्रॉप टैंक्स है वो अंडरविंग पायलॉन में कैरी किए जाने लगे, तो जो एयरक्राफ्ट की रेंज है अब वो भी बढ़ गई थी। तो 1971 तक इंडियन एयरफोर्स ने अपने 9 स्क्वाड्रंस को MiG-21FL से इक्विप्ड किया। उसके बाद जब और मॉडिफाइड MiG-21s आने लग गए तो ये जो एयरक्राफ्ट थे इनको ट्रांसफ़र किया गया दूसरे स्क्वाड्रंस में। तो लास्टली जो MiG-21FL थे उनको सर्विस से 2005 में ही रिटायर कर दिया गया। तो 1971 में इंडियन एयरफोर्स ने 65 MiG-21M को रिसीव किया, और साथ में जो MiG-21M का एक इम्प्रूव्ड वर्जन था उसे लाइसेंस के अंडर में HAL को बनाना था। तो उसकी जो डेजिग्नेशन है वो MiG-21MF दी गई। तो ये जो एयरक्राफ्ट थे इनमें बिल्ट इन GSS-23L कैनन थी, जो रडार है वो RB-21MA रडार था, और जो गन साइट है वो ASP-PFD कंप्यूटिंग गन साइट थी। साथ ही साथ जो इंजन था वो था R-11 F2S-300।
तो जो सोवियत बिल्ट MiG-21M पैटर्न एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में आया था 1971 में। तो HAL को इस टाइप के 158 एयरक्राफ्ट बनाने थे, जिसमें से जो पहला एयरक्राफ्ट है वो 14 फरवरी 1973 में डिलीवर किया गया था और जो लास्ट एयरक्राफ्ट है वो 12 नवंबर 1981 में डिलीवर किया गया था। तो ये बेटर MiG-21s थे, इसमें ज़्यादा पावरफुल R-13-300 इंजन था और जो रडार है वो ज़्यादा पावरफुल RP-22 रडार था। लास्टली जो सबसे एडवांस वेरिएंट जो इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया वो था MiG-21 BIS, जिसको एज अ मल्टी रोल फाइटर बनाया गया था। इसमें नया R-25-300 इंजन लगा हुआ था और जो लो एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। तो इंडियन एयरफोर्स ने इन्हें नई डेजिग्नेशन दी जो कि विक्रम थी। तो इंडिया को इस वेरिएंट को मैन्युफैक्चर करने का जो लाइसेंस है वो 1974 में मिला था और HAL ने करीबन 220 एयरक्राफ्ट बनाए थे 1984 तक। तो ओरिजिनली इन एयरक्राफ्ट को HAL तेजस को रिप्लेस करना था, पर जब उसके डिलीवरी में टाइम लगने लगा तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो 125 MiG-21 BIS फाइटर हैं उनको अपग्रेड किया जाए बाइसन लेवल पे। तो 1996 में अप्रूवल मिला इसका और इसकी स्टडी की गई और जो अपग्रेड है उसको डिज़ाइन किया गया MiG-21-93 अपग्रेड पर। तो इसके अपग्रेड के बारे में हम बहुत डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, लिंक आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो अपग्रेड के बाद जो ये एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी कैपेबल बन गया और एक फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनकर सामने आया। तो ओरिजिनली लाइफ एक्सटेंशन जो है वो प्लान किया गया था 2017 तक, पर ये 2023-24 तक सर्विस में रह सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी सालों तक सर्व किया है और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।